जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो सुप्रीम कोर्ट का समर्थन नहीं करता है और ना करेगा। नहीं, पर्सनल लॉ जो है वो कह रहा, किसका पर्सनल लॉ, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो कह रहे हैं कि हम दोबारा रिव्यू पिटीशन डालेंगे इसमें। 100% रिव्यू पिटीशन डालनी चाहिए। हम लोग भी जा रहे हैं अभी रिव्यू पिटीशन में कम्प्लीटली। अभी हमारी कल बैठक है यहाँ पे, आपातकालीन बैठक हमने जंतर वो कनॉट प्लेस में बुलाई हुई है। हाँ, तो हम लोग खुद ही जाने वाले रिव्यू पिटीशन में। तो पूरी आपको लगता है कि ये फैसला गलत है? 100% गलत है सर, इसको रोक देना चाहिए। सर, सोशल मीडिया पर आजकल ऐसा चल रहा है कि मोदी जी ने दो वादे पूरे कर दिए, धारा 370 और राम मंदिर का भी उन्होंने पूरा कर दिया। आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई मोदी जी ने को सिरे जाना चाहिए इस फैसले का या नहीं? तो उन्होंने धारा 370 हटा दिया, या जो है कह सकते हैं कि इन्होंने अभी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। तो देखो, देश के अंदर हमारे यहाँ पे अंग्रेज आए, ठीक है ना, हमारे यहाँ पे अंग्रेज आए तो देश के अंदर वो अपना वर्चस्व मेंटेन करने के लिए उन्होंने काम किया। सेम उसी तरीके से इस देश के अंदर विदेशी आ गए हैं, जिसको बोलते हैं आर्यन बोलते हैं, या कह लो कि जो मतलब उधर यूरेशियन आए हुए हैं, ठीक है ना। तो जो शासन सत्ता में अभी वर्तमान में मौजूद है वो यूरेशियन है। अब यूरेशियन है तो वो देश के जो मतलब व्यवस्था है उसको अच्छा बनाने के बजाय उसको लूटने वाले प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं। अब दूसरी बात, जो 370 हटाना है या मंदिर बनाना है या कुछ ऐसा काम करना है तो वो तो काम करना ही पड़ेगा ना। वो अगर काम नहीं करेंगे तो वो आखिर सत्ता में किस हिसाब से रहेंगे? देश के लोगों को मूर्ख बनाना या उनका शोषण करना, शोषणकारी जो नीतियाँ हैं कि लोगों को ब्लाइंड फेथ में रखना और उसके आधार पर उनका वोट लेना, वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारे देश की जो जनता है वो लगातार परेशान है, पीड़ित है। या अभी हर पुलिस स्टेशन लगा लीजिए देश का, या हर कोर्ट लगा लीजिए सर, बिना पैसे के नहीं चलता है। तो इन सब चीज़ों पर फोकस करने के बजाय वो मेन पॉइंट पर इस तरीके से फोकस करें ताकि जनता का ध्यान आकृष्ट हो। मौर्य जी, इस फैसले को आपने खूब बखूबी से देखा, आप तीसरा पक्ष उसमें बनने की कोशिश। हाँ बिल्कुल जी। क्या लगता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था और जो लगातार बातें कह जा रही थी कि राम मंदिर को ही ढाकर यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई गई है, उसको गिरा कर ही, क्या लगता है जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें कोई ऐसी बात सामने आई कि बाबरी मस्जिद जो बनी है वो राम मंदिर के ऊपर बनी है? देखिए सर, मैं आपको बताऊं, वास्तव में अगर देखा जाए तो जो विवादित स्थल है, सबसे पहले तो वहाँ पे बौद्धों का दावा होना चाहिए, क्योंकि जब पुरातात्विक साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर खुदाई हुई है उसमें पूरा का पूरा जो बुद्धिज्म का प्रतीक मिला हुआ, अभी टीवी चैनल वाले भी चिल्ला रहे थे, आपने देखे होंगे। लेकिन उन्होंने जो बुद्ध के अवशेष मिले हैं, जो उनके हाथ पैर टूटे हुए मिले हैं, या तमाम जो सर्कुलर श्राइन है, ईंट पत्थर मिले हुए हैं, पिलर मिले हुए हैं, उन सारी चीज़ों को उन्होंने मंदिर का प्रतीक बता दिया और मंदिर के आधार पे उन्होंने बोल दिया कि ये जो है हिंदुज्म का प्रतीक है। अच्छा, पहले दावेदार जो होने चाहिए इस फैसले का वो बुद्धिस्ट होने चाहिए, दूसरा अगर आता कोई तो मुस्लिम होना चाहिए, क्योंकि और जो ये हिंदुओं की बात हो रही है, हिंदुस्तों की बात हो रही है, हिंदू मत बोलिए, क्योंकि हिंदू जो है वो ऐसे लोग हैं इस देश के अंदर जो हिंदी व्यवस्था में हैं, उनको पता ही नहीं हिंदू धर्म क्या होता है या उसके अंदर क्या षड्यंत्र चल रहा है। इस देश को मात्र 3-3.5% जो हिंदुस्त लोग हैं वो पूरा का पूरा गुमराह करके बैठे हुए हैं। नहीं, मोर्य हाँ। क्या जो मेरा सवाल था, क्या उसमें ऐसा सही हुआ जैसे लोग कहते थे कि राम मंदिर को गिराकर वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई गई? हाँ। क्या ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। पहले से बाबरी मस्जिद थी, इन्होंने उसको तोड़ ताड़ के वहाँ पे राम लला को स्थापित किया और कहते हैं कि राम लला वहाँ पे पैदा हुए थे, सीधा सीधा फंडा है। अब सरकार में वो है जबरदस्ती वो कर रहे हैं, पहले से वो अंग्रेजों के संपर्क में रहे हैं तो अपना दावेदारी बना के रखे हैं, तो लूटना खाना, अब आजकल तो मीडिया भी उन्हीं की बोलती है, तो अपने आधार पे वो लोगों के बीच में ये चीज़ प्रचारित कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं कि हमारी और हमारी और हमारी। तो क्या लगता है ये गलत आरोप था कि यहाँ पर मुसलमानों ने या मुगलों ने आकर राम मंदिर को गिराकर यहाँ पर बाबरी मस्जिद? नहीं, राम मंदिर तो मुसलमानों ने तो गिराया ही नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया, इन्होंने तोड़ ताड़ के वहाँ पर बनाया हुआ है। गलत आरोप था, 100% गलत आरोप है। क्या लगता है जो 1945 में जब वहाँ पर रामलला की तस्वीर रखी गई, उनको विराजमान किया गया कि प्रत्यक्ष दिखाई गए, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी गलत? भैया मेरे, सुप्रीम कोर्ट को चारों आंखें खोल लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है, कहीं पर अगर कोई गलत हो रहा है ना तो वो उस पर एक्शन ले सकता है। इंडिया में जितने भी मंदिर हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर क्षमता है तो सारे मंदिरों का जो चेहरा है उसको खुरचवा के वो देखे एक बार, वहाँ पे सब बौद्ध स्थल मिलेंगे, सब बौद्ध स्थल मिलेंगे। तो इनकी तो पहले से परंपरा रही है कि तोड़ो और लूटो, सेम उसी तरीके से अयोध्या में इन्होंने काम किया है, सीधा सीधा फंडा क्लियर है। अगर सुप्रीम कोर्ट को न्याय ही देना है तो वो कंप्लीट सर्वे कराए ना इंडिया में, या अयोध्या का कंप्लीट जितने भी खुदाई के अवशेष मिले उसका कंप्लीट परीक्षण करे। लेकिन वहाँ तो वो डिस्कशन के दौरान या कह सकते हैं डिबेट के दौरान
दौरान जो भी वहाँ पे चर्चा हो रही थी वो बोले हम साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर निर्णय देते हैं, लेकिन जब निर्णय आता है वो तो सीधे सीधे जैसे लगता है कि जो है अमित शाह और मोदी का लिखा हुआ बयान आ रहा है कि भैया ट्रस्ट बना लो और मंदिर बनाने की घोषणा कर दो। तो रिजर्वेशन तो इन्होंने कम्प्लीटली जो है हैक कर रखा है, जहाँ पर देखो वहाँ पे पंडित बैठे हैं, ठाकुर बैठे हैं, हमारे लोग तो 90% होने के बावजूद भी अभी पिछड़े हैं, उनको कहीं जगह ही नहीं मिल रही है। तो ये पॉइंट है 142 में। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है कि जो 1992 में जो ढांचा गिराया गया था वो भी एक गैर कानूनी था, वो भी एक आपराधिक मामला था। तो क्या लगता है जितने भी जैसे 1945 को भी उनका वो भी आपराधिक था ये भी, तो क्या लगता है जितनी बार भी जो आरोप लग रहे थे मुसलमानों पे ढांचा गिराने के या जो भी था, क्या लगता है आप जो दाग था मुसलमानों पे वो उससे साफ हो गए, धुल गए, वो उन पर कोई आरोप नहीं? मुसलमानों ने कौन सा ढांचा गिराया था? नहीं, जो मुसलमानों के लिए कहा जा रहा था बार बार कि यहाँ राम मंदिर था, राम मंदिर था। देखिए सर, यहाँ पे बात होती है न्याय व्यवस्था एक अलग पैटर्न है, ठीक है ना, बाहुल्य वाली बात अलग है। आपने देखा होगा कि आपके देश के अंदर समाज के अंदर जहाँ पे चार गुंडे मवाली इकट्ठा हो जाते हैं तो किसी कानून व्यवस्था को मानते हैं? नहीं मानते हैं, वो जो कहते हैं वही सही होता है। सेम वही कहानी यहाँ पर है। यहाँ पर जस्टिस नाम की चीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। अभी तक हम लोग विश्वास करते थे सुप्रीम कोर्ट सही काम कर रहा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट भी एकदम जो है वो बेकार हो चुका है। तो न्याय व्यवस्था के नज़रिए से ये जो फैसला आया गलत है? 100% गलत है, 100% गलत। समर्थन कर रहे हैं नहीं, लोग जो लोग समर्थन कर रहे हैं या तो वो षड्यंत्रकारी हैं या तो वो अज्ञान है। जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो सुप्रीम कोर्ट का समर्थन नहीं करता है और ना करेगा। नहीं, पर्सनल लॉ जो है वो कह रहा है। किसका पर्सनल लॉ? जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो कह रहे हैं कि हम दोबारा रिव्यू पिटीशन डालेंगे इसमें। 100% रिव्यू पिटीशन डालनी चाहिए। हम लोग भी जा रहे हैं अभी रिव्यू पिटीशन में कम्प्लीटली। अभी हमारी कल बैठक है यहाँ पे, आपातकालीन बैठक हमने जंतर वो कनॉट प्लेस में बुलाई हुई है। हाँ, तो हम लोग खुद ही जाने वाले रिव्यू पिटीशन में। तो पूरी आपको लगता है कि ये फैसला गलत है? 100% गलत है सर, इसको रोक देना चाहिए। ये तो संविधान का अपमान है। और उन जजों का क्या कहा जाए? वो तो अभी खड़े कर दीजिए, यहीं पे पांचों जजों को खड़े कर दीजिए, पांच क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाएंगे मैं आपको बता दूं। और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं इस तरीके से संविधान का बलात्कार कर रहे हैं, सर मानी चाहिए ऐसे जजों को, त्यागपत्र दे देना चाहिए। लेकिन नहीं, आदेश का पालन कर रहे हैं, उधर मोदी बैठ के अपना हुंकार भर रहा है, ये लोग उनके सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। सिंपल सा फंडा है ये, तो देश को मतलब लूटने और खाने का एक फंडा है, इसके अलावा कोई नहीं। संविधान नाम की चीज़ अब देश के अंदर नहीं रह गई है, और जब तक बहुजनों ने इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाई और कोई जो है सम्राट अशोक की तरह, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह सोचने वाला व्यक्ति भारत देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, तब तक इस देश की समस्या का समाधान नहीं होगा। और सारे बहुजन भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूँ, चाहे SC ST OBC किसी भी कैटेगरी का हो, BJP और कांग्रेस को जो है तिलांजलि दे दें, ठीक है ना, उनका उनको त्याग कर दें अपने जीवन से, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो होने वाला नहीं है। और EVM मशीन आप देख ही रहे हैं पूरा हैक करके बैठे हैं, उसके लिए भी हमें फाइट करना है। तो बिना चौतरफा लड़ाई के ये चीज़ संभव नहीं है, और ये नस नस में घुस चुके हैं, ये समझिए आप पूरे देश के। चलिए ठीक। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।